हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्वेश व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज आप सब लोग मेरे सामने देख रहे हैं किया सोनेट का प्लस वेरिएंट, एचटी के प्लस वेरिएंट। तो दोस्तों, इसके इंजन की बात करते हैं, इसके अंदर हमें 1197 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 83 BHP की पावर 6000 RPM पर जनरेट करता है। तो आइए दोस्तों, ये किया सोनेट का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल है। आज इसकी डिटेल वगैरह, इसके अंदर हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है बेस वेरिएंट से, वो सब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, फ्रंट में शुरुआत करें तो ये पहले मैं आप सब लोगों को इसकी की दिखा देता हूँ। इसकी की कुछ इस प्रकार की है और फ्रंट के अंदर आप सब लोग देखेंगे तो जो ये क्रोम का पार्ट दिया गया है ग्रिल में, फ्रंट ग्रिल्स के अंदर क्रोम का पार्ट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इधर जो अपने फॉग लैंप है, फॉग लैंप के ऊपर भी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती हैं। और दोस्तों, जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है IMT, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर हमें नहीं मिलती। और दोस्तों, चलते हैं अंदर की तरफ दिखाऊँ तो आप सब लोग। इसके ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर मिलते हैं हमें। और देखिए दोस्तों, अंदर से कुछ इस प्रकार का एंट्री करते के साथ में। दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, अपने हिसाब से अपने आप टेम्परेचर सेट कर लेता है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करो तो 8 इंच का इसके अंदर टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो अपने बेस वेरिएंट में नॉर्मल मिलता है। और उसके ऊपर वाले में कीपैड टच वाला मिलता है जो मीडियम है, और ये HT के प्लस में अपना टच में आ जाता है। और आप सब लोग जो ये AC वेंट्स देखेंगे, AC वेंट्स के ऊपर ये स्टील क्रोमियम की फिनिशिंग दी गई जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ये नीचे टेक्सचर आया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सब लुक को बहुत ही इन्हेंस करता है। अंदर जो आप सब लोग देख सकते हैं इसका इंटीरियर वगैरह, ऊपर लैम्प वगैरह, और इधर हमें वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाता है। 5 इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर की ये कार है दोस्तों। और आप सब लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो अपने फ्रंट ड्राइवर के जो मिरर रहते हैं वो दोस्तों 1 टच के अंदर अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे अपने आप खुल जाते हैं 1 टच के अंदर। और जो अपना नॉर्मल वाला वेरिएंट रहता है उसके अंदर 1 टच नहीं मिलता हमें, उसके अंदर प्रेस करके रखना पड़ता है अप या डाउन, तब वो जाकर पूरा खुलता है। सीट वगैरह की बात करते हैं, अपना कंप्लीट ब्लैक कलर की ये सीट वगैरह मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और तो चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, और आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा 392 लीटर का इसके अंदर बॉडी स्पेस है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करते, फ्यूल टैंक इसके अंदर हमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, पीछे से कुछ इस प्रकार की लगती है। इधर किया का लोगो, सोनेट का किया का लोगो बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सब लोग कमेंट करके बताइए किया का लोगो कैसा लगता है आप सब लोगों को। ये देखिए दोस्तों, बूट स्पेस, इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने में मिल जाती है। इसमें अच्छा से आप अपने बड़े बैग 2 रख सकते हो आराम से। और ऊपर की तरफ बात करें तो रूफ रेल वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने इस कार को देखा तो कैसी लगी ये कार, आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, इसके प्राइस की बात करूँ तो 9,19,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस है, और 10.5 लाख के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। और देखिए आप सब लोगों को, तो आप सब लोगों को ये कार कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप सब लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।